नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को तख्त हजूर साहिब में माथा टेकने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे। शाम को वे मुंबई पहुंचे। बुधवार को वहां उद्योगपतियों और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात कर पंजाब को निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में पेश उन्होंने किया। मान ने कहा कि उनकी सरकार फिल्म सिटी स्थापित करने की परियोजना लेकर आ रही है, जिसके लिए फिल्म जगत के लोगों के साथ चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योगपतियों और फिल्म उद्योग की हस्तियों से मिलेंगे और उन्हें उनके फिल्म सिटी में पैकेज की पेशकश भी करेंगे। हमारे पांच तख्तों में से एक तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ साहब में आने का मौका मिला है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, नतमस्तक होने के लिए आए, आशीर्वाद लेने के लिए आए परिवार समेत, के परमात्मा वाहिगुरु हमें समत बख्शे, बल बख्शे। पंजाब की सेवा का जो जिम्मा लगा है उसमें हम लोगों के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फैसले लें, और जो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने सर्वंस अपना परिवार सिख कौम के लिए, देश कौम के लिए वार दिया, तो उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपनों के लिए तो हर कोई लड़ता है, दूसरों के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात है। तो गुरु साहब माता जी हमेशा आती रही है यहाँ पे, आज आप आए हो, वो भी आई हैं साथ। हमारा तो महाराष्ट्रीय लोगों के लिए कई पीढ़ियों का एमओयू है। हमारा तो तख्त श्री हजूर साहब से, तख्त श्री पटना साहब से, तो बस आशीर्वाद लेने आए हैं। और इसके बाद हमारा जो मुंबई, हम महाराष्ट्र के कुछ जो कारोबारी हैं, प्रसिद्ध फिल्म जगत की हस्तियां भी हैं, उनके लिए एक दो हमारे पैकेज हैं फिल्म सिटी का, या वहां पे काम करने का, तो उनके साथ कल मुलाकात रहेगी। अरविंद, दुआएं करेंगे कि न्याय मिले। देखो अभी भी मनीष सिसोदिया बाहर आए, उससे पहले संजय सिंह बाहर आए, इनके पास कुछ नहीं है। ये जस्ट अपने हमारे नेताओं को एक टाइम बाय करते हैं कि इनको इतनी देर जेल में रख लो। जब कोर्ट कुछ मांगता है, तारीख मांग लो, तारीख मांग लो, तारीख जब ख़त्म हो जाती है तब कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो ये तीसरी बार हो चुका है। हम कहते हैं ये घोटाला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बता तो दो। पैसे हवा में चले गए क्या, पैसे कहाँ चले गए क्या, वो कुछ नहीं बताते। तो इसलिए ये पार्टी तोड़ने की एक षड्यंत्र था, लेकिन आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। आप एक व्यक्ति को तो अंदर कर लोगे, लेकिन सोच को कैसे कैद करोगे। बड़ी जल्दी अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, आज उनके लिए अरदास करेंगे।